Be With Beti is celebrating the girl child. The girl child is a social issue in our country. बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऐसे कॉज को सपोर्ट करते हैं. मैंने अभी फिल्म बनाई है हृदयांतर में, जिसमें इतने लड़कियां काम करती हैं. दो छोटे छोटे डेब्यूज हो रहे हैं मेरे. तो आई थिंक कि अगर मैं एक फिल्म में इतने अपने लड़कियों को इतना पावरफुल बता सकता हूँ, तो वाई नॉट पुट देम अप ऑन द रैंप. मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कुछ अभी बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतनी विनती है कि आप हमारा हृदयांतर फिल्म ये थिएटर में जाके 7 जुलाई को प्लीज़ देखिए. मुझे बहुत अच्छा लगा रैंप पे चल के, क्योंकि मेरा सपना था कि कभी रैंप पे चलना. मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज विक्रम सर ने वो सपना भी पूरा कर दिया, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है. आई कैंट बिलीव मैं अभी चली, और सबने हम लोगों को यू नो हम लोग की मूवी आप 7 जुलाई देखेंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है. लेकिन आप जाए और ज़रूर देखें 7 जुलाई. मैं कहूँगी कि विक्रम जी जितना पैशनेटली आज तक उन्होंने फैशन में काम किया है, कपड़े बनाए, उसी तरह से उसी पैशन से उन्होंने ये फिल्म बनाई है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कभी ऐसे रैंप पे चली नहीं हूँ. सो बिकॉज ऑफ हिम आई कुड वॉक टुडे एंड बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनाए. बट मोर देन दैट, वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर फिल्म. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग 7 जुलाई को जाके हृदयांतर देखिए. आपने अभी तक विक्रम जी के कपड़ों की तारीफ की है, आई एम श्योर यू विल रियली गेट अटैच टू आवर फिल्म ऑल्सो. सो थैंक यू. Yes, and that's what I was going to say, that I'm very proud and I feel very good that जो मेरा पहला आज walk हुआ है वो बेटी बचाओ इतने अच्छे initiative के लिए हुआ है. So I am really happy and I think कहीं पर ऐसा लगता है कि आज बेटियों को पहले के comparison में थोड़ा ज़्यादा महत्व मिलने लगा है. But thanks to अनुरंजन और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा awareness हो रही है. And I feel कि इससे आगे भी ऐसे ही shows होते रहे, successful shows होते रहे, और जो बेटी बचाओ यो जो है चल रहा है वो, उसकी हमें ज़रूरत ना पड़े. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हैवी है, सो चलने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी. बट बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्रिंटेड और जरदोजी को कॉम्बिनेशन करके इतने अच्छी खूबसूरत तरीके से दिखाया जा सकता है. हाँ, मतलब जिस तरह जब चुन्नी आई ना, तो ओवरऑल जो मेरी ड्रेस का जो लुक है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द चुन्नी, द वे दे ड्रेप्ड इट, द वे इट्स बीन डिजाइन. सो हैट्स ऑफ टू हिम कि आज तक उन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया है कॉस्ट्यूम अपने फैशन डिजाइनिंग में. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि दैट पैशन इज वी गोइंग टू सी इन द फिल्म्स आल्सो, इन हिज फिल्म्स. सो आई एम रियली ग्लैड. थैंक यू. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और साथ में सिर्फ रैंप पे चलना ही नहीं था, ये एक कॉज के लिए है जिसको हम अंग्रेज़ी में बोल देंगे बेटी बी विद बेटी, या फिर जो एक बेटी बचाओ आंदोलन है. एक बड़ा अच्छा कॉज है, एक बहुत ही नोबल कॉज है कि जो फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट जो एक इनिशिएटिव्स लोगों ने लिए हुए हैं, या फिर किसी भी तरह से बेटियों को बचाने की बात हो रही है, उसके लिए कुछ भी हो तो हमारा पूरा सपोर्ट है. आई एम एसोसिएटेड विद द शो बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द पीपल हु आर डूइंग द शो, एंड माय सपोर्ट इज विद दिस कॉज. आई सपोर्ट दिस कॉज बी विद बेटी एट द सेम टाइम समथिंग विच इज कॉल्ड वाटर हेल्थ. सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटी बचाओ, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई फाइंड माई सेल्फ वेरी क्लोज टू. देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का हमें कोई मौका ना मिले कि किसी कॉज को प्रूव करने के लिए शो करना पड़े. हर चीज़ अपने आप अच्छे से हो, मगर फिर भी मेरा इनिशिएटिव जो है वो जो बेटी बचाओ एक आंदोलन है, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा जितना बढ़ चढ़ के कर सकता हूँ मैं करूँगा. प्लेजर. थैंक यू. ये रैम पे चल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि बी विद बेटी अभी भी एक कॉज है. इसी ये कॉज नहीं होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है. हमें
इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जिस दिन ये एक कॉज नहीं रहेगा। आई थिंक अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है एंड आई थिंक वुमेन आर बिगिनिंग टू लव देमसेल्व्स अ लिटिल मोर व्हिच इज़ वेरी 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 अप्रिशिएटेड एंड आई थिंक इट विल ओनली गेट बेटर विद टाइम। मुझे बहुत मजा आया ट्यूबलाइट, आई लव सलमान खान मूवीज, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनकी फिल्में, आई पार्टी, इट्स लाइक अ पार्टी फॉर मी। यार अभी यहाँ पे नहीं बजा सकती मैं सीटी नहीं, हाँ नहीं, मैं स्क्रीनिंग्स में अपने आप को इतना एम्बेरस नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ घूमने भी जाती हूँ तब मैं खुल के सीटियाँ बजाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। हाँ या या आई क्राइड व्हेन व्हेन द डेथ सीन हैपेंस ऑफ भाई की जब डेथ हो जाती है सोहिल के जो कैरेक्टर है उनकी, तब मुझे थोड़ा रोना आया। थैंक यू दादा, बाय। सो आज आप रैंप पे चली है वो भी इतने गुड कॉज के लिए, सो हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू वांट टू सी? यार इस कॉज को सपोर्ट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए एंड आई थिंक एवरी ईयर इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर बिगर एंड उनका रीच भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। अनु मैम और शशि सर को मैं बहुत सालों से जानती हूँ एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव टू सी कि एक कॉज को इतने बड़े लेवल तक लाया गया है और इस लेवल को सपोर्ट करने के लिए मेरा बेटा भी आया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता है कि लड़कों को अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश की लड़कियों को कितना रिस्पेक्ट किया जाए, उनकी क्या अहमियत है, उनके लिए इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं कोशिश करती हूँ, जबकि बहुत छोटा है, लेकिन यू नो ऐसे कॉजेज में मुझे लगता है कि लड़कों को अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस बेटी के लिए आए हैं एंड आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू बी हियर अगेन। मैंने बहुत पहले भी बहुत बार वॉक किया एंड just happy to be another part of this. So hamesha itni awareness hoti hai, itne sab shows hote hai beti bachao ke liye, don't you think ki abhi tak wo cause khatam nahi hua hai? Yaar hamare desh mein abhi bahut sare mudde hain aur I think kahin na kahin shuruaat ho rahi hai, usko appreciate karna zaruri hai. Criticize karne ke liye to bahut lambi list hai, but I think jaise anu ma'am ne ye ek shuru kiya hai, shashi sir ne is bare mein socha hai, itne sare acid victims ko unhone unki plastic surgery, unko you know वापस उनकी लाइफ बनाने के लिए उनकी जितनी मदद ये लोग करते हैं, दिस कॉज इज़ ब्यूटिफुल। आई होप कि ऐसे अनु मैम और शशि सर जैसे ऐसे पावरफुल लोग और आएँ जिनमें उतनी काबिलियत हो, जिनमें उतने पोटेंशियल हो कि ऐसे कॉजेज बढ़ा सकें, सो इट बी ग्रेट। तो आज सबको काफ़ी ब्यूटीफुल अटायर दिया गया था, आपको अपना अटायर कैसा लगा? मुझे बहुत सुंदर लगा, मैं एक बहुत ही सिंपल हूँ पर्सन, मुझे अपने मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं है और मेरा आउटफिट बहुत सिंपल था तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत लाइट भी था, सिंपल था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी वॉकिंग इन दैट। विक्रम ने ही डिज़ाइन अ ब्यूटिफुल। यार फैंस को और जितने भी लोग ये जहाँ तक भी इस मीडिया की रीच जाती है उन्हें यही बोलूँगी कि बेटी नहीं है तो कुछ नहीं। आज मेरी मम्मी मेरे पास में यहाँ पर ही हैं, मेरी मम्मी ने यू नो एक बेटी से ज़्यादा एक बेटे के जैसे हमको पाला, तो आज मैं शायद इतनी काबिलियत रखती हूँ कि आपको इंटरव्यू देने लायक हूँ। तो यू नो हर बेटी में वो सक्षम होती है, यू नो शी इज़ केपेबल, और बच्चियों को तो मतलब आई थिंक लड़कियाँ ज़्यादा केपेबल होती हैं, आई एम सॉरी गाइज बट दैट्स अ फैक्ट, यू नो। तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको लड़कियों तक यू नो कॉम्पिटिट करने के लिए, सो गर्ल्स रॉक, और उनको तो बढ़ावा ही नहीं, उनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, बाय बाय।